हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हम वेल्डिंग में मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का आज का टॉपिक। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। इससे पहले हमने दो वेल्डिंग के बारे में बात की है। हमने लास्ट लेक्चर में टिक और मिग वेल्डिंग के बारे में बात की थी कि टिक वेल्डिंग क्या होती है, मिग वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है, उनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हमारी वेल्डिंग का नाम है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ठीक है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, इसके प्रिंसिपल की और एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसकी एप्लीकेशंस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग क्या होता है, ये एक वेल्डिंग की प्रोसेस है। ये क्या है, एक वेल्डिंग की प्रोसेस है इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्टन स्लैग। कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं मोल्टन स्लैग की सहायता से। ठीक है, मोल्टन स्लैग की सहायता से, जो कि मेल्ट होती है इसके बीच में, विच मेल्ट्स द फिलर मेटल, जो कि फिलर मेटल को क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है, एंड सरफेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्डेड। और जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस है, जिस सरफेस को हम वेल्ड करना चाहते हैं, उसको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए वेल्डिंग प्रोसेस, इट इज ए वेल्डिंग प्रोसेस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्टन स्लैग विच मेल्ट्स द फिलर मेटल। ठीक है, फिलर रोड भी बोल सकते हो, फिलर मेटल एंड द सरफेस ऑफ द वर्क पीस टू वेल्ड, एंड द सरफेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्डेड, एंड द सरफेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्डेड ठीक है, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की। ये सिमिलर होती है, किसकी तरह होती है, जैसे हमने बात की थी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, सिमिलर होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरह हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, और इसके अंदर हम फ्लक्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, फ्लक्स आर यूज्ड इन दिस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग के अंदर हम टिक और मिग वेल्डिंग दोनों के अंदर किसी भी प्रकार के फ्लक्स का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, तो इसके अंदर हम फ्लक्स का यूज करेंगे। तो एक बार देख लो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती क्या है। तो हमने बात की, इट इज ए वेल्डिंग प्रोसेस, ये एक वेल्डिंग प्रोसेस है इन विच हीट इज प्रोड्यूस, जिसके अंदर हीट को प्रोड्यूस किया जाता है बाय मोल्टन स्लैग। किसके द्वारा हीट प्रोड्यूस होती है, बाय मोल्टन स्लैग। हम जब बात करते थे, जब टिक वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती थी वो होती थी इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आर्क और इनर्ट गैसेस की सहायता से हम क्या करते थे, हीट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट प्रोड्यूस होगी मोल्टन स्लैग की सहायता से। ठीक है, मोल्टन स्लैग होगा, मोल्टन स्लैग क्या करेगी, जो हमारी फिलर मेटल होगी, फिलर मेटल को क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, और उसको सरफेस ऑफ द वर्क पीस को क्या कर देगी, वेल्ड कर देगी। ठीक है, समझ में आया कि क्या बोला गया है, इट इज ए वेल्डिंग प्रोसेस, की एक वेल्डिंग प्रोसेस है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, जिसके अंदर जो हम हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो हीट प्रोड्यूस होगी मोल्टन स्लैग की सहायता से। मोल्टन स्लैग क्या करेगी, जो हमारी फिलर मेटल होगी, जो फिलर रोड बोल सकते हो, उसको क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, जिसकी वजह से वो हमारे सरफेस को क्या कर देगी, आसानी के साथ वेल्ड कर देगी। यानी कि जो हम सरफेस होगा वर्क, जो हम वर्क पीस करना चाहते हैं वेल्ड, उसको आसानी के साथ क्या कर देगी, वेल्डिंग कर देगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती है, वो सिमिलर होती है हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरह। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमारी सेम, जैसे हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, उसी की तरह होती है हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, यानी कि उसका ऑपरेशन और उसकी जो भी कंडीशंस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और पॉइंट की, कि फ्लक्स आर यूज्ड इन दिस वेल्डिंग। कि जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की,
तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हम फ्लक्स का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं? फ्लक्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर। इसके अलावा हम जब टिक और मिग वेल्डिंग की बात करते हैं तो टिक और मिग वेल्डिंग में हम किसी भी प्रकार के फ्लक्स का यूज नहीं करते, हम किसी भी प्रकार के फ्लक्स का यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। किसकी डेफिनेशन की? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किसका प्रिंसिपल? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। ठीक है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का जो ऑपरेशन है, जो प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है फॉर स्टार्टिंग द वेल्डिंग, जब हमने वेल्डिंग को स्टार्ट करना है तो हम क्या करेंगे? फॉर स्टार्टिंग द वेल्डिंग The electric arc is struck between the electrode and work. कि जो हमारा वर्क पीस है और हमारी इलेक्ट्रोड है, उन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल आर्क को क्या करेंगे? स्ट्राइक करवाएंगे। The flux is fed into the joint and then the current is switched on. और उसके बाद हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने देखो, हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जब हमने वेल्डिंग को शुरू करना है तो वेल्डिंग को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे। इसके बीच में स्ट्राइक करवाएंगे इलेक्ट्रिकल आर्क को हमारी इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क को हम क्या करवाएंगे? स्ट्राइक करवाएंगे। किसके बीच में? बिटवीन वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमारी जो वेल्डिंग शुरू होने से पहले, ठीक है, जब भी हमने स्टार्ट करनी है वेल्डिंग, तो स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? जो आर्क होगी, इलेक्ट्रिक आर्क होगी, उसको स्ट्राइक करवाएंगे। किसके बीच में? हमारे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या करेंगे? स्ट्राइक करवाएंगे। किसको स्ट्राइक करवाएंगे? हमारी इलेक्ट्रिक आर्क को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा फ्लक्स होता है, हम क्या करेंगे? फ्लक्स को क्या करेंगे? ठीक है, हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को हम ऐड करेंगे। किसके बीच में ऐड करेंगे? ठीक है, फ्लक्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे जो भी हमारी वर्कपीस हो रही और इलेक्ट्रोड। ठीक है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम क्या करेंगे? फ्लक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, फ्लक्स को ऐड कर देंगे दोनों के ज्वाइंट के बीच में, और करंट को क्या करेंगे? स्विच ऑन कर देंगे। फ्लक्स को ऐड किया, फ्लक्स एडेड इन द ज्वाइंट, इन द ज्वाइंट एंड, ठीक है, फ्लक्स एडेड इन द ज्वाइंट, फ्लक्स को ऐड किया हमने ज्वाइंट के बीच में, एंड करंट इज स्विच्ड ऑन, और करंट को क्या कर देंगे? स्विच ऑन कर देंगे। करंट इज स्विच्ड, ठीक है, स्विच ऑन हम क्या करेंगे? करंट को क्या कर देंगे? स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, यहां तक एक बार देख लो फिर से। हमने क्या बात की कि हम वेल्डिंग शुरू करते हैं, तो शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे। किसके बीच में स्ट्राइक करवाएंगे? हमारे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हम स्ट्राइक करवाएंगे। किसको? इलेक्ट्रिक आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे। उसके बाद हम फ्लक्स को ऐड करेंगे। फ्लक्स को ऐड कर देंगे कहां पे? जो हमारा ज्वाइंट होगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट में हम फ्लक्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फ्लक्स को ऐड किया, स्ट्राइक करवा दिए, आर्क की स्ट्राइक करवाई, फ्लक्स को ऐड किया, और उसके बाद हम कर देंगे करंट को स्विच्ड ऑन। ठीक है, जो हमारा करंट होगा, करंट को हम क्या कर देंगे? स्विच्ड ऑन कर देंगे, विच पासिस थ्रू द लेयर ऑफ फ्लक्स बाय इलेक्ट्रोड वायर, और जो कि क्या करेगा? पास करेगा। ठीक है, पासिस थ्रू द जो कि पास करेगा। किससे पास करेगा? पासिस थ्रू द फ्लक्स बाय इलेक्ट्रोड। ठीक है फ्लक्स बाय द इलेक्ट्रोड वायर। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोड वायर, और क्या करेगा? वो पास करेगा। हमने क्या किया? करंट को स्विच ऑन कर दिया, जो करंट स्विच ऑन हो गया वो पास करेगा, इसमें से फ्लक्स में से होके आगे जाएगा इलेक्ट्रोड वायर के पास। ठीक है, फ्लक्स में से होकर आगे किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रोड वायर के पास जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट कर देगी। ठीक है, मेल्ट द इलेक्ट्रोड वायर एंड द बेस मेटल, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी इलेक्ट्रोड होगी वो मेल्ट हो जाएगी, और हमारा बेस मेटल, ठीक है, बेस मेटल और
बेस मेटल और इलेक्ट्रोड क्या होगी, मेल्ट होगी और आपस में ज्वाइंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा वर्किंग पीस जो हम वेल्डिंग करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की, किसकी बात की, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किसकी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हमने क्या बात की कि इलेक्ट्रिकल आर्क को स्ट्राइक करवाएंगे वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में, फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे, कहां पे ऐड करेंगे, जो हमारा ज्वाइंट होगा। ठीक है, हम ज्वाइंट के बीच में हम क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट को स्विच ऑन करेंगे, यानी कि करंट की सप्लाई को ऑन कर देंगे। वो करंट पास करेगा, इसमें से पास करेगा, फ्लक्स में से होता हुआ हमारी इलेक्ट्रोड वायर में चला जाएगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, वायर इलेक्ट्रोड वायर तक पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, करंट वायर तक पहुंचा, वो क्या कर देगा, हीट करेगा। ठीक है, हीटेड हो जाएगा, हीट होने की वजह से क्या होगा, मेल्ट द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। और हीट हुआ, हीट होने की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट हो जाएगी और बेस मेटल भी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, जिससे क्या हमें हमारे पास आ जाएगी मोल्टन मेटल, जिससे क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल्टन मेटल आ जाएगी। और मोल्टन मेटल क्या करेगी, फिलर मेटल को मेल्ट कर देगी और उसकी वजह से हमारे पास जो हम वेल्डिंग ज्वाइंट बनाना चाहते हैं, हम अपना वर्क पीस तैयार करना चाहते हैं, हमारे पास एक वेल्डिंग ज्वाइंट तैयार हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वेल्डिंग ज्वाइंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी आगे एडवांटेज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग है जो हमने बात की है, इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, बात करते हैं एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, कि हमारी जो इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है उसकी एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की हमारी एडवांटेज क्या है, सबसे पहले, ठीक है, थिकर प्लेट्स कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास, कि जितनी भी मोटी से मोटी प्लेट होती है, यानी कि ऐसी शीट्स या मेटल्स जिनकी थिकनेस ज्यादा होती है, उन मेटल्स को आसानी के साथ हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में वन पास, यानी कि एक ही बार में वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है एडवांटेज, थिकर प्लेट्स कैन बी वेल्डेड, थिकर प्लेट्स कैन बी वेल्डेड, कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास। ठीक है, सिंगल पास, कि एक हम सिंगल पास में, यानी कि जब हम वेल्ड कर रहे हैं तो हमने वेल्ड को जैसे गुजारा, यानी यहां से शुरू की यहां पर लेके गए, तो एक सिंगल पास के अंदर ही हम थिकर प्लेट्स को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं थिकर प्लेट्स की, थिकर मेटल्स की। उसके बाद, ठीक है, स्ट्रेसेस, ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो स्ट्रेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, लो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस आर लो, ठीक है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होती, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस आर लो, कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान क्या होता है, वेल्डिंग के दौरान कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। ठीक है, स्ट्रेसेस जो भी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, कम होती है। उसके बाद हाई डिपोजिशन रेट, ठीक है, हाई, ठीक है, ठीक है, DEPOSITO, डिपोजिशन रेट। ठीक है, जो डिपोजिशन रेट होता है, डिपोजिशन रेट होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में, किसकी एडवांटेज, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की एडवांटेज। तो एक बार फिर से देख लो, थिकर प्लेट्स कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास, यानी कि आसानी के साथ हम एक सिंगल पास के दौरान ही थिकर प्लेट्स को आसानी के साथ वेल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेसेस प्रोड्यूस आर लो, जब भी हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर जो भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है बहुत कम होती है, और जो डिपोजिशन रेट होता है वो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हाई होता है रेट। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की।
डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, डिस एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, कि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है? तो देयर इज ए चांस ऑफ हॉट क्रैकिंग। जब भी हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर हॉट क्रैकिंग का चांस ज्यादा होता है, यानी कि क्रैक होने का चांस क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। देयर इज ए चांस ऑफ हॉट क्रैकिंग, देयर इज ए चांस ऑफ हॉट क्रैकिंग, ठीक है, कि हॉट क्रैकिंग होने का चांस हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, हमेशा ज्यादा रहता है। देयर इज ए चांस, हमेशा एक चांस बना रहता है कि हमारा जो हम ज्वाइंट क्या कर रहे हैं वो क्रैक हो सकता है, ठीक है, हॉट क्रैकिंग होने का चांस ज्यादा होता है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज सिलेंड्रिकल वेल्ड, सिलेंड्रिकल वेल्डिंग के लिए डिफिकल्ट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू वेल्ड क्लोज सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो पीस है जबकि क्लोज सिलेंड्रिकल होते हैं उनको वेल्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन वर्टिकल पोजीशन ओनली, हमेशा किस पोजीशन में करते हैं, वर्टिकल में। वेल्डिंग इज कैरिड आउट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन बोल सकते हो या वर्टिकल पोजीशन बोल सकते हो, कि हमेशा किसमें होती है, वर्टिकल पोजीशन में होती है, ठीक है। तो ये बस क्या है इसकी डिसएडवांटेज, ये क्या है डिसएडवांटेज, तो एक बार फिर से देख लो। डिसएडवांटेज में हमने क्या बात की कि देयर इज ए चांस ऑफ हॉट क्रैकिंग, कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, क्रैक होने का चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, कि हॉट क्रैकिंग के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के अंदर। उसके बाद इट इज डिफिकल्ट टू वेल्ड क्लोज सिलेंड्रिकल, जो भी हमारे क्लोज सिलेंड्रिकल पीस होते हैं, ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल पीस होते हैं उनको वेल्ड कर पाना मुश्किल होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के दौरान। थर्ड पॉइंट में बात की, वेल्डिंग इज कैरिड आउट ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल पोजीशन, कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की बात करते हैं तो ये वेल्डिंग हमेशा हम करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर वर्टिकल पोजीशन में। तो ये सारी क्या है, ये है इसकी डिसएडवांटेज, किसकी डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। Applications of electroslag welding. कि electroslag welding का हम use कहाँ पे करते हैं? ठीक है, heavy plates, forging and casting. ठीक है, जो भी heavy plates होती हैं, heavy plates, forging and casting, ठीक है, forging और casting में भी हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। ठीक है, forging हो, casting हो, या फिर बात करो heavy plates, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। इसके अलावा जो अलॉयज होते हैं, कुछ अलॉय होते हैं, उनको वेल्ड करने में भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। ठीक है, कुछ अलॉयज होते हैं, उन अलॉयज को वेल्ड करने में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का, जैसे हाई कार्बन एंड मीडियम कार्बन स्टील। High carbon and medium carbon steel, ठीक है, carbon steel, ठीक है, high carbon या फिर medium carbon steel जो alloys होते हैं, इनको weld करने के लिए भी हम किसका use करते हैं, electroslag welding का। इसके अलावा अलॉय स्टील्स होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, निकल अलॉय हो गया, तो इनको वेल्ड करने के लिए भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अलॉय स्टील्स सच एज स्टेनलेस स्टील एंड
निकल अलॉयस, ठीक है, निकल अलॉयस। तो ये हमने बात की एप्लीकेशन की, ठीक है, ये हमने बात की एप्लीकेशन की, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की एप्लीकेशन के बारे में, कि हैवी प्लेट्स फॉर्जिंग या फिर कास्टिंग, कि कास्टिंग करने के लिए, फॉर्जिंग करने के लिए, या फिर बात करेंगे हैवी प्लेट्स के लिए तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग की, वहां पे हम किसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। इसके अलावा कुछ अलॉयज होते हैं, उन अलॉय को वेल्ड करने के लिए भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का, जैसे हाई कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील अलॉय होते हैं, इन अलॉयज को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का। इसके अलावा कुछ अलॉय स्टील्स होते हैं, सच एज स्टेनलेस स्टील हो गया, निकल अलॉय हो गया, तो इन सभी को वेल्ड करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बात की हमारी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में, हमने बात की इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, ठीक है, एक बार टॉपिक बीच में रहेगा कि टिग और मिग वेल्डिंग, हमने टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में अलग अलग से बात की थी, लेकिन हमारा एक टॉपिक बचा है कि टिग और मिग, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, ठीक है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, या फिर डिफरेंस बोल सकते हो, इन दोनों के बीच का, टिग और मिग के बीच का डिफरेंस, कि टिग वेल्डिंग क्या होती है, दूसरी साइड पे मिग वेल्डिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टिग और मिग वेल्डिंग के डिफरेंस के बारे में, या फिर बोल सकते हो कंपैरिजन के बारे में, और बात करेंगे हम थर्मिट वेल्डिंग के बारे में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।